तो फ्रेंड्स यहाँ पर ICTSM ट्रेड का प्रैक्टिकल चल रहा है और आप देख सकते हैं, तो ये ITI शिमला का कैंपस है दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर चल रहा है प्रैक्टिकल। कुछ बच्चे जो है वो PC पे बैठे हुए हैं, वहाँ पर कंप्यूटर ट्रेड है ये कुछ कंप्यूटर, तो ये सारा नेटवर्किंग का हार्डवेयर ट्रेड है इनका, और ICTSM ये हार्डवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं, और यहाँ पर बाकी जो ट्रेनिंग है वो बाकी जो है वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं अपना सिस्टम पे बैठ के। तो ये यहाँ पर ICTSM ट्रेड का प्रैक्टिकल चल रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर प्रैक्टिकल चल रहा है और यहाँ देख सकते हैं दोस्तों आप, उनके टीचर्स भी यहाँ पर हैं और सारे बच्चे सब बिजी हैं प्रैक्टिकल में। तो आपका प्रैक्टिकल क्या है? स्ट्रेट थ्रू केबल। तो ICTSM में 2 साल में गौरव क्या क्या सीखा आपने, मतलब और फर्दर क्या प्लानिंग है आपकी? बताना सर, जब स्टार्ट करें हम बना रहे सर स्ट्रेट टू केबल लैन के लिए। मैम ने प्रैक्टिकल दिया कि पहले इसको बनाओ, RJ45 कनेक्ट करो इसमें, फिर इसको PC to PC कनेक्ट करो और फाइल ट्रांसफर करनी है। अच्छा, RJ45। यस। तो ICTSM ट्रेड में मतलब क्या स्कोप है आगे? स्कोप अच्छे सर, अगर ढंग से पढ़े जी, सॉफ्टवेयर का भी पता लग जाता है काफ़ी कुछ, हार्डवेयर का भी, विंडो इंस्टॉल करना भी, लैन का भी, मतलब नेटवर्किंग का भी, वर्किंग का भी काफ़ी, ओवरऑल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों ICTSM ट्रेड में। यस। तो आगे अभी फर्दर आपकी क्या प्लानिंग है? फर्दर इंडस्ट्रीज की ओर जाएंगे। ओके। थोड़ी वहाँ से और नॉलेज गेन करेंगे, एक्सपीरियंस गेन करेंगे, फिर फर्दर गवर्नमेंट सेक्टर भी रहता है ना? गवर्नमेंट सेक्टर भी रहता है पर सर प्राइवेट भी प्रेफर करेंगे। ओके। तो क्या आप क्या करना चाहोगे? अपना बिजनेस खोलूंगा। अपना बिजनेस, वेरी गुड। सुजल आप क्या करना चाहोगे? बिजनेस सर। यस सर। आप क्या करोगे? बिजनेस सर। बिजनेस आप? मैं इनके बिजनेस में साथ रहूंगा। अरे वाह, बिजनेस पार्टनर है। तो यहाँ पर सारे उद्यमी, आप क्या करोगे? पार्टनरशिप। तो सारे उद्यमी मतलब सारे पार्टनर है, तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हैं ये सब, और दूसरों को भी रोजगार देंगे और खुद भी। तो फ्रेंड्स अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद करता हूँ आपका मैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल, भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो ये हमारा संस्थान फ्रेंड्स, और यहाँ से न्यू बिल्डिंग से मैं आपको ब्लॉग बना रहा था। तो अंत तक बने के लिए धन्यवाद।